ऑल अबाउट दैट यू सी द हार्ड वर्क ऑफ दैट लेडी। बोल रहे कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हो, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। बोल रहे कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हो, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। जितना मैंने बचपन से एटीट्यूड सीखा नहीं आपकी ना, ये अगर आज भी मैं अगर थोड़ा आवाज ऊंची करूंगी तो ट्रैफिक क्लियर करवानी नहीं, ऑब्वियसली ये तो मेरी आवाज निकलती नहीं, 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 नहीं शोर पसंद ही नहीं। और जिसको नेगेटिव बोलना है वो तो बोलेगा ही, जिसको बोलना है वो अपनी माँ से भी खुश नहीं होता। सही बात है। मैंने सुना आपका बड़ा पाव मुंबई के बड़ा पाव से बीट कर रहा है। कस्टमर से रिव्यू लीजिए मैम। चलो पर वो जनरल रिव्यूज हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई बोलते खराब है। नहीं मैंने अभी अंकल से पूछा, उन्होंने बोला बहुत ही यम्मी और इतना सॉफ्ट पाव है जिसकी खाद नहीं है। मेहनत कर रही हूँ ना मैम, इसी दिन के लिए मेहनत कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है, मेरी जीत तो तभी हो जाती है जब बंदा एक खाने पर 10 पैक करवाने पे आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जीत तभी हो ना। अब इतनी भीड़ में हमें वड़ा पाव मिलेगा खाने के लिए? ये तो गलत सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा गलत सवाल पूछ लिया। मेरा तो हम सबसे पहले आए थे, 3 बजे के आए हुए हैं। मेरे कस्टमर, मैंने पहले भी एक भाई से यही चीज बोली, पहले भी एक चीज भाई से बोली थी, कोई यूट्यूबर ही थे, उन्होंने कहा मैम साथ दे दो, तो मैंने कहा पहले कस्टमर आप लोग तो आप भी मेरे लिए मान सम्मान हो, बट पहले ये इंतजार कर रहे हैं इनको पहले होना चाहिए। आपकी गुस्से वाली वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, तो आप कुछ कहना चाहोगे उसके ऊपर? पब्लिक तो फिर कम परेशान कर रही है, पुलिस वाले सारी चीजें, किसको गुस्सा नहीं आएगा सर? मेन तो ट्रैफिक है। आज मैंने अपने हस्बैंड और दो लड़कों को लगा रखा है कि गाड़ी मां नहीं कर रहा, तो सबको गुस्सा आएगा ना सर। गुस्सा क्यों कर रही हूँ ये नहीं देख रहे सर? जो रिकॉर्ड करके जा रहे हैं उसमें से काटा पीटी करके लगा रहे हैं सर पे, ये तो आप लोगों का काम है। आप क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? नहीं बात बिल्कुल सही है। मैं आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या नहीं दिखाना चाह रहे हो? मेरा एक भी पुराने कस्टमर से पूछना कि मैम का व्यवहार कैसा है। मेरा मानना है बिजनेस व्यवहार से चलता है, बाकी किसी से नहीं चलता। एक बार मैं चिल्ला दूंगा, दूसरी बार बंदा खाना नहीं आएगा। भले अभी तो फिलहाल नींद नहीं आती है कि अगले दिन कार्ड का मैम आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ पे? रियली गुड टेस्ट, बहुत अच्छा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये एक्चुअल में मुंबई का वड़े पाव को बीट कर रहा है? बिल्कुल बीट कर रहा है, इवन मच बेटर देन मुंबई वाला वड़ा पाव। आपने खाया है वहाँ पे? मैं बहुत दूर से आई हूँ यहाँ खाने। आप कहाँ से आए हो मैम? मैं कल्याण विहार से आई हूँ, नॉर्थ कैंपस। ओके, अल्टीमेट टेस्ट है और वर्थ, मतलब वर्थ है ना, मतलब अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वर्थ है। मतलब कस्टमर को दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पैसा इज नॉट एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। वो टाइम यहाँ। और मैम का आपको बिहेवियर कैसा लगा? मतलब हमारे ना यूट्यूबर्स कुछ ऐसे, उन्होंने ये डाल रखा है मैम बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है, बदतमीज है, तो इस तरीके के उनके स्लोगन्स डाल रखे हैं। ये खाकर ना सारी चीजें अगर होता भी है तो वो बराबर। मैम वेरेवर यू गो यू विल फाइंड नेगेटिविटी। या ऑफ कोर्स आने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट दैट यू सी द हार्ड वर्क ऑफ दैट लेडी। ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्क पे ध्यान दोगे तो उसका, अगर इन केस भीड़ हटाने के लिए बोल भी दिया तो उसको इजीली थोड़ा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि वो ऑब्वियसली काम भी कर रही है, बाहर भी देख रही है उनको पुलिस। शी इज द वन हु नीड्स टू मैनेज एवरीथिंग राइट? यस, सो दैट्स मैनेजेबल, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन मेंटालिटी ना। ऑफ कोर्स, मतलब आपको आप दोनों को टेस्ट Nice. तो आना चाहिए दोबारा। मेरे YouTube चैनल वालों को क्या बोलना चाहोगे कि हाँ आके ट्राई करना चाहिए कि नहीं? कुछ नेगेटिव तो नहीं है ना? नथिंग एट ऑल, टोटली वर्थ पेइंग एंड डू ट्राई इट वंस। आप YouTube चैनल चला सकते। आप मैम की क्या लगती हैं? मदर इन लो। तो आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं मैम को? मदर इन लो आजकल की तो मदर इन लो इतनी ज्यादा वो है। नहीं नहीं देखो, मेरी बेटी भी है। हाँ जी, बेटी में मैंने कभी फर्क समझाई नहीं, अभी भी नहीं। आज के जमाने में ऐसी सास तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिली है मैम, कहीं पे भी नहीं मिली है, जो इतना सपोर्ट कर रही है, वो भी स्ट्रीट पे आने के लिए। कि भाई स्ट्रीट पे आके हिम्मत है उसकी,
सही बात है, हिम्मत है, बट लोग ये बात नहीं देखते ना। नहीं, आपके बारे में ना बहुत सारी नेगेटिविटी, मैम के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी है कि मैम बहुत बदतमीजी से बात। कोई बात नहीं, देखो 100 में से 10 लोग गलत बोलते, बिल्कुल गिराने की हर कोई सोचेगा, उठाने की कोई नहीं सोचेगा कि वो गिराने की सोचते ना, हमें और हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, और हिम्मत मिलती है कि हमें और आगे जाना है। ये जैसे जो बदौलत ही आगे जाते हैं, बिल्कुल। ये जो मसाला आप सुबह रेडी करते हैं या फिर मतलब आलू वगैरह उबालते हैं, फिर मसाला इसका, मतलब ये फ्रेश होता है ना? बिल्कुल फ्रेश, सब कुछ ए टू जेड चीजें आप फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश, कुछ भी मिलावट नहीं, बासी कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसा ही है, कुछ बचता ही नहीं, वही तो कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सुना, बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप और सासों को क्या कहना चाहोगे कि भाई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुओं को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप उनको बोलो, और सपोर्ट भी करना चाहिए फैमिली वालों को साथ में। शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर का ही काम करे, सब काम करना चाहिए। चलो आंटी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू फॉर आपका टाइम देने के लिए। सो गाइस, ये वड़ा पाव है और हमें इतनी मशक्कत करने के बाद वड़ा पाव मिला है। तो ये वड़ा पाव मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ कैसा है। ये इसका वड़ा है, ये पाव है और इसके अंदर मसाला डाला हुआ है। वड़ा पाव का टेस्ट एकदम बहुत अच्छा है। वड़े के अंदर जो एक होता है ना कड़ी पत्ते का स्वाद, कड़ी लीव, उसका बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लहसुन का जो अंदर उन्होंने चूरा डाला वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, ये इतनी भीड़ के बाद है ना, हमें मेरे को मिल नहीं रहा था, पर पता है मैंने ना चलाकी करके ले लिया है, पर आपको दिखाने के लिए टेस्ट एग्जैक्टली है कैसे। जैसे और यूट्यूबर ने बोला कि टेस्ट ऐसा है वैसा है, बट मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। आप आओ, ट्राई करके जाओ और इनको सपोर्ट करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ कि ये बदतमीजी से बात करती है, एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार आप पीछे देखो एक बार, रोड पे कितनी ज़्यादा क्राउड हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे, थोड़ा चीख के बोल सकती है, यार ऐसे तुम मत डालो गलत कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज है, एटीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है। आओ टेस्ट करो और मुझे भी ज़रूर बताना कॉमेंट में कि आपको कैसे लगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट करना, थैंक यू। लोकेशन कहाँ पड़ेगा एग्जैक्टली? ये मैम केशव महाविद्यालय के नियर बाय पड़ता है। ओके, और टाइमिंग में बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? और मतलब 8 बजे तक सारा माल क्लियर हो जाता है आपका। तो अभी आप ये बटर है कौन सा वाला, डिलीशियस है या फिर अमूल बटर है? ये मदर डेरी, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप गाइस देख सकते हो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप देखो क्वालिटी वाली ही चीज़ यूज़ करी जा रही है। अगर आप 50 रुपये पे कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली 50 रुपये दे के बिल्कुल वेस्ट है, वर्थ इट नहीं है, बट नहीं यार, मैंने खुद देखा, आपको दिखाया भी है, 50 रुपये में ऑब्वियसली वर्थ इट है। तो आप कस्टमर को क्या बोलना, मतलब अपने कस्टमर को क्या बोलना चाहोगे? मेरे लिए तो व्यूअर्स है, आपके लिए कस्टमर है, तो क्या आप उनको बोल, टेस्ट करके देखिए पहले तो, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप आगे, इतनी भीड़ लग रही है तो इसी वजह से आ रही है। बिल्कुल भैया सही बोल रहे हैं, टेस्ट करके देखिए तभी आपको पता चलेगा। आप दूसरों की बातों से मत बोलिए इन्फ्लुएंस की भाई खराब है बेकार है। अब आपके साथ बिल्कुल अंकल भी कुछ कहना चाहेंगे तो अंकल कुछ नहीं कहेंगे, भैया ही बोल रहे हैं कि खा के ही पता चलेगा, ये बात सच है। आपके चैनल का नेम?